19 सालों से इस प्रदेश में राज करते हुए भी अपनी जाति के सांसदों की संख्या को बढ़ा नहीं पाए। 2.87% होने के बाद कुर्मी को इस साल सिर्फ एक टिकट मिला था। अब वो एकमात्र इकलौता कुर्मी सांसद है। भूमिहार का और कुर्मी का लगभग लगभग बराबर है जनसंख्या, इनका भी 2.87 है, लेकिन भूमिहार को 7 टिकट मिला है। कुर्मी जाति के नेताओं को उम्मीदवारी दी ही नहीं जाती है। कुशवाहा की राजनीति को खत्म करने की का प्रयास किया गया, उसमें जाने के बाद वो इतने बड़े नेता बने। नीतीश कुमार किसी भी कुर्मी लीडर को पनपने नहीं देते हैं, किसी को टिकट देखने के मामले में अपनी जाति को नहीं देखते हो, लेकिन जब वो अपने पीए तय करते हैं तो वो खूब जाति देखते हैं। नीतीश कुमार अपने जाति के लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं। जनसंख्या के मामले में कुर्मी के सामने कुशवाहा दुगना भी नहीं है, सांसद जीतने की मत में 4 गुना है। और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को ही खत्म करने का पूरा प्लान बना लिए थे। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद बिहार में एक और चर्चा जो होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रही है, और उस पर हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे। लेकिन ये चर्चा ये है कि जिस बिहार में जातीय गणना हुआ है, हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहाँ पे जातिगत जनगणना किया गया है, उस बिहार में जो सांसद बने या जो हारे, जिनको टिकट दिया गया, उनका जातिगत अध्ययन क्यों नहीं हो रहा है। और इसी कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कुर्मी जाति के बारे में। सभी को ये लगता है क्योंकि कुर्मी जाति के मुख्यमंत्री इस राज्य में पिछले 2005 से लगातार वही मुख्यमंत्री हैं, एक दो साल के लिए अगर आप छोड़ देंगे, जीतन राम मांझी के लिए एक साल भी नहीं रहे थे वो, तो सभी को ये एक्सपेक्ट होना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री कुर्मी जाति से हैं और मुख्यमंत्री के जाति के सांसदों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, या फिर उनके जाति के कम से कम टिकट जब बंटवारा हो रहा है तो उनके जाति के लोगों की संख्या होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जनसंख्या के अनुपात में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं बिहार के अंदर जिनकी आबादी कुर्मी से कम है, लेकिन उनके सांसदों की संख्या और उम्मीदवारों की संख्या, दोनों की संख्या कुर्मी से कहीं ज़्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 17-18 सालों से इस प्रदेश में, 19 सालों से इस प्रदेश में राज करते हुए भी अपनी जाति के सांसदों की संख्या को बढ़ा नहीं पाए, या अपने जाति के सांसदों की उम्मीदवारों की संख्या अभी तक नहीं बढ़ा पाए हैं? कारण इसके पीछे ये है कि आप सिर्फ इस लोकसभा चुनाव को नहीं देखिए, इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक कुर्मी उम्मीदवार थे, और वो भी उनके गृह जिला नालंदा से थे, कौशलेंद्र कुमार, जो इस बार भी जीते हैं, पिछली बार भी जीते थे, उसके पहले भी जीते थे और उसके पहले भी जीते थे, लगातार वो जीत रहे हैं। अब वो एकमात्र इकलौता कुर्मी सांसद हैं, और उसके अलावा एकमात्र कुर्मी इकलौता उम्मीदवार भी हैं लोकसभा चुनाव में, इस बार भी, पिछले चुनाव में भी और उसके पहले चुनाव में भी। आखिर ऐसी क्या बात है कि कुर्मी जाति के नेताओं को उम्मीदवारी दी ही नहीं जाती है किसी भी क्षेत्र में? इसके 2-3 पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष तो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार कभी भी जाति के आधार पर अपने जाति को प्रमोट करने की राजनीति कभी किए ही नहीं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है 12 फरवरी 1994 में जब कुर्मी महासभा हुआ था इसी पटना के गांधी मैदान में, बहुत बड़ा रैली नहीं रैला हुआ था, इंटरनेशनल न्यूज़ बना था वो, तो उसमें वो जाना नहीं चाहते थे। हालांकि वो बात और है कि उसमें जाने के बाद वो इतने बड़े नेता बने। तो एक जो छवि है नीतीश कुमार की कि वो अपनी जाति को पकड़ के रखने वाली छवि नहीं है, कम से कम उम्मीदवार तय करने में और टिकट देने में। दूसरा पक्ष इसका ये हो सकता है कि जिस कुर्मी जाति का पूरे बिहार में जनसंख्या अगर आप प्रतिशत देखिएगा तो 2.87% है, ये बिहार जातिगत जनगणना 2022-23 के आंकड़े के अनुसार। 2.87% होने के बाद कुर्मी को इस साल सिर्फ एक टिकट मिला था नालंदा से, वो भी नीतीश कुमार के गृह जिला से जहां से वो पहले लड़ा करते थे। लेकिन अब आप चले जाइए दूसरे जातियों पर, मल्लाह जाति, इनकी राजनीतिक इतिहास इस जाति का मुकेश सहनी से पहले बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद
2.61% इनका बिहार की कुल जनसंख्या में योगदान है। कुर्मी का 2.87%, कैंडिडेट कितने थे एक, मल्लाह का 2.61%, कैंडिडेट कितने थे तीन, और तीन में से दो जीत भी गए हैं, यानी दो सांसद हैं मल्लाह जाति के और एक कुर्मी के हैं। और आगे चलिए बनिया का देखिए, 2.32%, बनिया पूरे बिहार में उनकी जनसंख्या है, और कुर्मी का 2.87%, लेकिन सांसद भेजने के मामले में इनके भी दो सांसद इस बार चुने गए हैं, और टोटल कैंडिडेट जो उतारा गया था वो पांच, कहां कुर्मी का एक, कहां बनिया का पांच, कहां मल्लाह का तीन। और आप देखिए भूमिहार का ही देख लीजिए, भूमिहार का और कुर्मी का लगभग लगभग बराबर है जनसंख्या, इनका भी 2.87 है, लेकिन भूमिहार को 7 टिकट मिला। हालांकि भूमिहार ने इस बार खूब हल्ला मचाया कि हमारी राजनीति को संकुचित किया जा रहा है जहानाबाद के सहारे, लेकिन 7 टिकट उनको मिला, कुर्मी को 1 टिकट मिला है, उसके बावजूद कुर्मी ने हल्ला नहीं मचाया। और देख लीजिए आप, कुर्मी को धानु को एक जैसी जाति ही मानी जाती है, दोनों को एक समकक्ष माना जाता है। धानुक जाति की बिहार में कुल जनसंख्या, बिहार की कुल जनसंख्या का 2.14% मात्र है, कुर्मी का है 2.87%, धानुक का है 2.14%, लेकिन धानुक के तीन कैंडिडेट उतारे गए और दो सांसद बन भी गए हैं, एक जो हारे हैं वो अशोक महतो हारे हैं, धानुक उनकी पत्नी है। अब उसको अगर आप कुर्मी लेंगे तो अशोक महतो चूंकि लड़े नहीं इसलिए हमको उनको कुर्मी नहीं कह सकते, उनकी पत्नी धानुक है। तीन कैंडिडेट हैं और दो सांसद बन चुके हैं, और कुर्मी का एक सांसद एक ही कैंडिडेट थे। और भी जातियों से अगर आप कंपेयर करेंगे, जैसे कुशवाहा का ही देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हल्ला इस चुनाव में मचा है कुशवाहा की राजनीति को ख़त्म करने की का प्रयास किया गया, और उसमें सबसे बड़ा जो उदाहरण दिया जाता है वो उपेंद्र कुशवाहा का दिया जाता है, उसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाया, वो भी आप देख लीजिएगा। उनका पूरे बिहार का जनसंख्या में योगदान जो है वो 4.21% है, यानी कि कुर्मी से ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुर्मी से दुगना भी नहीं है, लेकिन सीटों की संख्या के मामले में इनको 11 सीट मिला है लड़ने के लिए, और चार सांसद भी बने हैं। जनसंख्या के मामले में कुर्मी के सामने कुशवाहा दुगना भी नहीं है, कुर्मी है 2.87%, कुशवाहा है 4.21%, लेकिन सांसद जीतने की संख्या में 4 गुना है, कहाँ कुर्मी का एक, इनका 4, और कैंडिडेट सेलेक्ट करने के मामले में, कैंडिडेट देने के मामले में इनका है लगभग आप मान के चलिए 11 गुना, 7-4 कैंडिडेट इनके उतरे थे। तो आखिर ऐसा क्या है, क्या इस बात में सच्चाई है कि नीतीश कुमार अपने जाति के लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं? दूसरा इसका ये भी पक्ष हो सकता है, चलिए प्रमोट नहीं कीजिए, एक्स्ट्रा मत दीजिए, लेकिन जितनी इनकी हिस्सेदारी है उतना तो होना चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना करवाने के पीछे यही नारा दिया जाता था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी, जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी। तो भागीदारी तो इनका 2.81% है, 8-7% है, लेकिन हिस्सेदारी इनका कम है, तो ऐसा क्यों हुआ है? एक तो लोग कहते हैं कि चलिए जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, दूसरा इसके पीछे कई लोगों ने आरोप भी लगाया, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे फिर वो जो समकक्ष हैं जिन्होंने 1994 का वो कुर्मी महारैला ऑर्गेनाइज कराया था, सतीश कुमार, उनका ये आरोप है। और कई बार ये जगदानंद भी, शिवानंद तिवारी भी इनके ऊपर आरोप लगा चुके हैं, और जगदानंद ये आपके सतीश कुमार भी आरोप लगा चुके हैं कि ये कुर्मी के किसी भी लीडर को, नीतीश कुमार किसी भी कुर्मी लीडर को पनपने नहीं देते हैं, उनकी राजनीति को ख़त्म कर देते हैं। और उसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कैसे उन्होंने एक पीके सिन्हा हुआ करते थे 2003 का बात है, उनको पार्टी से, जनता पार्टी से निकाल दिया था। और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, खुद जो आपके ऑर्गेनाइजर थे उस मीटिंग के, उस रैला का, सतीश कुमार, उनको ख़त्म कर दिया गया उनकी राजनीति को। वो कई बार विधायक भी बने, वो माले के लीडर थे, उसके बाद फिर 2022 में वो चले गए, उसके बाद फिर वो जेडीयू से भी बने हैं विधायक, फिर वो सब कुछ से तंग आकर के उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कई बयानबाजी किया, उसके बाद फिर वो लोजपा में चले गए, और फिर पिछले साल वो आरजेडी में चले गए। तो ऐसे किसी भी कुर्मी लीडर को नीतीश कुमार पनपने नहीं देते हैं जिससे कि उनको चैलेंज हो सकता है, ये आर्गुमेंट एक दूसरा पक्ष देता है। अब इसके पीछे एक तीसरा आर्गुमेंट है, तीसरा आर्गुमेंट यह है कि भले ही नीतीश कुमार
कैंडिडेट सेलेक्ट करने के मामले में या किसी को टिकट देखने के मामले में अपनी जाति को नहीं देखते हों, लेकिन जब वो अपने पीए, सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर इसको जब तय करते हैं तो वो खूब जाति देखते हैं। और उसके पीछे एक दो नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक आशीष रंजन सिन्हा हुआ करते थे, डीजीपी थे बिहार के, वो कुर्मी थे। उसके बाद फिर कई सारे आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन इसमें उन्होंने नीतीश कुमार एक और पक्ष इसको देखते हैं कि वो अपने राज्य के यानी कि बिहार के कुर्मी आईएएस ऑफिसर को से ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं बाहर के कुर्मी आईएएस ऑफिसर को यहाँ पे लाने में। जैसे कि आपके संजय सिंह और मनीष वर्मा, मनीष वर्मा अभी भी हैं, बहुत करीबी माने जाते हैं और कह भी रहे, ये भी कहा जा रहा था कि मनीष वर्मा इस बार हो सकता है कि नालंदा से चुनाव लड़ सकते थे लोकसभा चुनाव, अगली बार शायद वो लड़े भी, वो उड़ीसा कैडर के हैं। इसके बाद फिर आपका कुमार रवि है, अनुपम कुमार है, ये सब यूपी कैडर के हैं, बाहर के हैं, यहाँ के नहीं हैं। आरसीपी सिंह का एग्जांपल लिया जाता है, हालांकि आरसीपी सिंह भी यूपी कैडर से हैं। हालांकि आरसीपी सिंह के बारे में ये भी लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के साथ तब से जुड़े हुए हैं जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो ऐसा नहीं है कि आरसीपी सिंह के पीछे ही कारण है। हालांकि एक उदाहरण ये भी है कि आरसीपी सिंह चूंकि लोकल थे, यहीं के थे, तो उनसे उनको खतरा भी हुआ, और नीतीश कुमार का जो स्ट्रेटजी था कि यहाँ के लोगों को स्पेस नहीं देना है, तो वो शायद कहीं ना कहीं सही भी साबित हो रहा है, क्योंकि आरसीपी सिंह को स्पेस दिया गया और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार को ही खत्म करने का पूरा प्लान बना लिए थे। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि नीतीश कुमार कुर्मी को नहीं छोड़ रहे हैं, कुर्मी आईएएस ऑफिसर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर को बहुत तरजीह दे रहे हैं, लेकिन बाहर के स्टेट को, लेकिन वो किसी कुर्मी नेता को आगे इसलिए नहीं बढ़ने। विधायक में आपको बहुत मिल जाएंगे, विधायक में पिछले विधानसभा चुनाव में कुर्मी के टोटल लगभग 14, मैं आपको उसका बता भी देता हूँ, पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुर्मी के टोटल विधायकों की संख्या 14 थी, और 14 में से 10 विधायक अकेले सिर्फ जेडीयू से थे। तो आपको विधानसभा चुनाव में कुर्मी का नंबर दिखेगा, हालांकि बाकी से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुस्लिम के 17 थे, पासवान के 15 थे, पासवान उसके अलावा फिर आपका कुशवाहा के 16 विधायक थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंस दिया गया है, जितना इनका परसेंटेज है उस हिसाब से ठीक है, लेकिन सांसदों के मामले में आकर के मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि अगर कोई सांसद बनता है तो कहीं ना कहीं वो स्टेटस विधायक को आप दबा सकते हैं, मुख्यमंत्री दबा सकते हैं, अपने कब्जे में रख सकते हैं, लेकिन संभवतः नीतीश कुमार ऐसा सोचते हैं कि एक सांसद को दबा पाना मुश्किल होता है, इसीलिए उन्होंने कई सारे ऐसे कुर्मी लीडर जो पोटेंशियल जिनके अंदर था बड़ा बनने का, और सिर्फ कुर्मी ही नहीं, नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो आपका जॉर्ज फर्नांडिस का मामला हो, या फिर कुर्मी महासभा को ऑर्गेनाइज कराने में, या फिर नीतीश कुमार को इतना आगे बढ़ाने में इतना योगदान दिया, चाहे वो ललन सिंह हो, या फिर एक उनके खिलाफ ही उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, रजनी रंजन पटेल हो, ऐसे तमाम लोगों को नीतीश कुमार आगे नहीं बढ़ने दिए हैं, और यही आर्गुमेंट दिया जाता है। सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता, ये अलग अलग वर्जन है नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को लेकर के, लेकिन सच्चाई इतना तो जरूर है कि बिहार की राजनीति में, संसदीय राजनीति में, कुर्मी का प्रतिनिधित्व इनके जनसंख्या के अनुसार बाकी जातियों की तुलना में नहीं है, चाहे भूमिहार उठा लें, चाहे वो किसी भी जाति को उठा लें। 2.87% जनसंख्या होने के बावजूद कुर्मी का सिर्फ एक सांसद या फिर सिर्फ एक सांसद उम्मीदवार उतारना कहीं से जस्टिफाई नहीं लगता है। इसके खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिलहाल जब तक नीतीश कुमार का वो स्टेटस है तब तक कुछ इस पर सुनवाई होना संभव दिख नहीं रहा है। लेकिन ऐसी लोकसभा चुनाव की पीछे की जो कहानियां हैं वो आपको हम देते रहेंगे, और इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है मुसहर का। मुसहर कम्युनिटी कहीं से भी पॉलिटिकली डोमिनेट नहीं थी, लेकिन आज की डेट में उनको दो कैंडिडेट दिया गया, कुर्मी को मात्र एक कैंडिडेट दिया गया इस लोकसभा चुनाव में। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, ऐसे बहुत सारे पीछे की कहानियां आपको हम सुनाते रहेंगे। नमस्कार।